आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। पौड़ी में मेहंदी की रस्म के बाद लापता हुई दुल्हन, आज आनी थी बारात, घर वाले परेशान। पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में अजीबोगरीब घटना हुई है। यहां एक युवती की बुधवार को शादी होनी थी, सोमवार रात मेहंदी की रस्म पूरी हुई। शादी की खुशियों में डूबा परिवार मेहंदी की रस्म के बाद हंसते बतियाते सो गया। सुबह जब घर के लोग उठे तो दुल्हन गायब थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला दरोगा के नेतृत्व में दुल्हन ने के लिए खोजी दल तैनात कर दिया गया है। शातिर नशा तस्कर अमरकांत अतिवाल उर्फ डोला पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में गया जेल। दून पुलिस ने पहली बार की ये कार्रवाई। दून पुलिस ने पहली बार एक नशा तस्कर के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। अमरकांत अतिवाल उर्फ डोला लंबे समय से नशा तस्करी में लिप्त है। इस शातिर नशा तस्कर को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया गया। इस एक्ट में जेल भेजे गए व्यक्ति को 9 से 11 महीने तक जमानत नहीं मिलती। मंगलोर में दबंगों द्वारा खेत में छोड़े गए पानी से फसल हुई बर्बाद, विरोध करने पर किसान की गोली मारकर हत्या। मंगलोर में मामूली विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल इस किसान की कटी हुई फसल दूसरे लोगों द्वारा खेतों में पानी छोड़ने से बर्बाद हो गई। किसान ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने पहले उसे बुरी तरह पीटा, फिर गोली मार दी। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। बाइक को कार ने मारी टक्कर, 3 लोगों समेत 2 साल का मासूम घायल। रुड़की में सड़क हादसे में एक युवक, 2 महिलाएं और 2 साल का मासूम घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन अलर्ट, अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने किया मंथन। देहरादून में आज टेबल टॉप एक्सरसाइज और मॉक एक्सरसाइज को लेकर ओरिएंटेशन और को ओरिएंटेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन समेत 200 से अधिक अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी बीच एनडीएमए के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल सुधीर बहल ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। देवभूमि के इस मंदिर में आज तक श्रद्धालु नहीं कर पाए भगवान के दर्शन, कोशिश की तो हो गई अनहोनी। वैशाख पूर्णिमा के मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लाटू देवता मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। लाटू देवता को मां नंदा के धर्म भाई के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। आज तक गर्भगृह में क्या है यह किसी ने नहीं देखा है। हाई कोर्ट में माना खेत में पेयजल लाइन बिछाने में अनियमितता मामले में सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों को बांटी उपाधियां, कहा बेहतर सेवाओं की वजह से एम्स ऋषिकेश की विशेष पहचान। राष्ट्रपति द्रौपदी आज एम्स ऋषिकेश पहुंची, जहां वो एम्स ऋषिकेश के 4th दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। दीक्षांत समारोह में छात्राओं की संख्या ज्यादा होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। दीक्षांत समारोह के बाद वो परमार्थ निकेतन पहुंचकर गंगा घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुई। BHEL पावर प्रोजेक्ट के स्टोर में लगी भीषण आग, फायर सर्विस टीम ने बमुश्किल पाया काबू। नंदप्रयाग के सोनला में भेल के पावर प्रोजेक्ट स्टोर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने के लिए गोपेश्वर, गोचर और रुद्रप्रयाग से फायर सर्विस की टीम बुलानी पड़ी, साथ ही जल संस्थानों के टैंकर की भी मदद ली। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी की तो खैर नहीं, अब तक 73 वाहनों का हो चुका चलान। हल्द्वानी में जाम से निजात दिलाने को लेकर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक परिवहन विभाग 73 वाहनों का चलान कर चुका है। नैनीताल के गोठिया क्षेत्र में मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में खाई में बाइक गिरने से शिक्षक की मौत, परिवार में छाया मातम। हल्द्वानी में एक शिक्षक की बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में शिक्षक शमशेर सिंह दिगारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शमशेर सिंह दिगारी ड्यूटी के बाद हल्द्वानी लौट रहे थे।
तभी वो हादसे का शिकार हो गए। सजा काट चुके कैदियों को रिहा न करने के मामले में सुनवाई, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कैदियों को रिहा न करने के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर हरदा का कटाक्ष, पापियों से भरी बीजेपी को दंडित करेगा आम भाजपाई। बेस चिकित्सालय श्रीनगर में 24 अप्रैल से लगेगी यूरोलॉजिस्ट की ओपीडी, पहाड़ के मरीजों को मिलेगी राहत। मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए पहाड़ के मरीजों को अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बेस चिकित्सालय श्रीनगर में बुधवार यानी 24 अप्रैल से यूरोलॉजी की ओपीडी शुरू होने जा रही है, जो हर हफ्ते बुधवार और गुरुवार को लगा करेगी। इसके अलावा यहां ऑपरेशन की सुविधाएं भी दी जाएंगी। श्रीनगर में कार हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल।